मोहम्मद से वफातू ने तो हंते रहे, ये जह चीज़ है क्या लोह कलमते रहे। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में आँख खोलने वाले अलामा मोहम्मद इकबाल ने इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर में हासिल की और फिर लाहौर का रुख किया। 1899 में एमए करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज में शोबे दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो गए। मोहम्मद इकबाल ने 1910 में जर्मनी से वतन वापसी के बाद वकालत के साथ सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू किया और अपने शायरी के ज़रिए फ़िक्री और सियासी तौर पर मुंतशिर मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। 1934 को मुस्लिम लीग के मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड के रुकन बने, ताहम तबीयत ने उनका साथ ना दिया और वो क़याम पाकिस्तान से 9 बरस कबल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दुआ है कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के लिए जो अजीम खिदमत की है अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए और उनके कामिल मगफिरत फरमाए। आमीन वस्सलाम।